आज इस वीडियो में हम डेथ के चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73। कहता है एबीसी पार्टनर थे, 3:2:1 का इनका रेशो था, इनके पास रिजर्व भी था 1,20,000 रुपए का और एबीसी की कैपिटल थी 2,00,000, 1,20,000, 80,000 और इधर कंपनी ने बी को कभी 10,000 रुपए का लोन दे रखा था। नीचे चलते हैं, बी की डेथ हो जाती है 30 जून 2018 को और उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रोविजंस किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है कि उसको उसका कैपिटल का बैलेंस दिया जाएगा, साथ में जितने दिन वो जिंदा रहा उस पर 10% इंटरेस्ट देंगे और रिजर्व में उसका हिस्सा मिलेगा जितना उसका बनता होगा। और कहता है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेल के बेस पे की जाएगी और 30 जून तक की सेल उसने आपको दे दी है 12,00,000 की और कहा है कि कंपनी 10% के हिसाब से अर्न करती है सेल पर। आगे कहता है कि गुडविल में उसका हिस्सा दिया जाएगा डिसीज पार्टनर का, कैसे, पिछले 3 साल का जो भी प्रॉफिट है उसका 2 गुना करो और उसके बाद उसमें से 20% लेस कर दो, वो आपकी गुडविल आएगी और उसमें आपको उसका हिस्सा देना है। और उसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि एग्जीक्यूटर को आज ही हम पे कर रहे हैं, कैसे पे करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जितनी भी है हमारी उसे बेच देंगे और एग्जीक्यूटर को पे कर देंगे। तो चलो जी क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बीडी ही लिख लेते हैं। कहता है कि 1,20,000 बी का बीडी था, कंपनी में रिजर्व में उसका हिस्सा दे देते हैं, रिजर्व था आपका 1,20,000, डेथ हुई है बी की तो उसका 1/3 शेयर बनेगा, ठीक है। तो भाई रिजर्व अकाउंट 40,000 को ये दे दिया हमने। इसके बाद हम नीचे शुरू करते हैं। कहता है आपको उसका गुडविल का शेयर निकालना है। चलो जी गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कहता है कि गुडविल की कैलकुलेशन आपकी पिछले 3 साल का प्रॉफिट का 2 गुना पहले वो कर लेते हैं। तो पहले आपके जो प्रॉफिट थे वो थे 82,000, 90,000 और 98,000, टोटल हो गया 2,70,000, ठीक है। तो 2,70,000 का 2 गुना 5,40,000, 5,40,000 जो आया इसमें से आप क्या करो 20% लेस कर दो। तो लेस 20% किससे करना है, इस 5,40,000 का ही करना है। ये आ गया आपका 1,08,000, तो टोटल लेस होने के बाद आया 4,32,000। अब यहां पर निकालो बी का शेयर, क्योंकि ये क्या है, ये तो है आपकी गुडविल ऑफ द फर्म, इसमें बी का शेयर, बी का शेयर कितना है 1/3, क्योंकि उसका है 2/6 तो 1/3 बनेगा, तो 1/3 निकाल लेते। तो ये आ जाता है 1,44,000। अब इसको ये पार्टनर आपस में बांट लेंगे, कौन, आपके ए और सी, किस रेशो में, 3:1 की रेशो में। तो 3:1 की रेशो में इसको हम बांटेंगे तो ये आएगा आपका 1,08,000 और 36,000, ठीक है। पोस्ट करो जी। तो बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट 1,08,000, 36,000। चलो जी इसके बाद हमारा प्रॉफिट के शेयर की कैलकुलेशन, ठीक है। कहते शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां कहता है कि जिस पीरियड में बी जिंदा था उस पीरियड की सेल आपकी 12,00,000 रुपए की है और कंपनी सेल पर 10% के हिसाब से अर्न करती है, मतलब कि इस पीरियड में जिस पीरियड में बी जिंदा था कंपनी ने 1,20,000 अर्न किए होंगे, इसमें सिर्फ बी का शेयर निकाल दो। बीज शेयर कितना, 1,20,000 का 1/3 मतलब कि 2/6 जो कि आ गया हमारा 40,000। अब ये हम तो इसमें महीने क्यों नहीं किए, भाई महीने इसलिए नहीं किए क्योंकि सेल ही उस पीरियड की थी जिस पीरियड में जिंदा था, तो ये प्रॉफिट भी उसी समय का निकल के आया, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमने सीधा जो प्रॉफिट था उस पीरियड का 30 जून तक का उसमें बी का शेयर निकाल दिया। अब इसको यहां ट्रांसफर कर दो, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 40,000। अब आपका रह गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको भी डालो जी। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी थी आपकी 1,20,000 की थी, इस पर आपको इंटरेस्ट देना है कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर 1,20,000 आपकी कैपिटल है, इसका 10% आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन कितने महीने का, सिर्फ 3 महीने का, तो ये आपको बनेगा 3,000 रुपए। तो इसको भी डालो जी, 3,000 ये हमने डाल दी बस, और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, टोटल कर दो।
ठीक है, तो यहां पर बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट इसमें 337,000 रुपए ये आ गए। अब इसको यहां डाल देते हैं, बाई बीज कैपिटल अकाउंट 337,000 और उसे कहता है कि कंपनी बी के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर रही है अपनी इन्वेस्टमेंट बेचकर, तो उसको तो भाई एग्जीक्यूटर को तो आज ही पूरी पेमेंट मिलेगी ना, हमने चेक से उसको पकड़ा दिया, बस अकाउंट उसका फाइनल कर दिया। अब हमें यहां इन्वेस्टमेंट बेचने वगैरह की कोई एंट्री करने की हमें जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं 74, कहता बबीता चेतन डेबिट पार्टनर थे, 2:1:1 का इनका रेशियो था, चेतन की डेथ हुई थी 30 सितंबर 2012 को और पिछली बैलेंस शीट में जो 31 मार्च को बनी होगी उसमें 1,25,000 चेतन का कैपिटल का बैलेंस है। इसके बाद कहता है नीचे कुछ प्रोविजंस दिए हैं उसने डेथ के टाइम के लिए, कहता है इंटरेस्ट मिलेगा जिस पार्टनर की डेथ होगी उसे 6% और डिसीज पार्टनर का गुडविल का शेयर उन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, 24,000। नीचे उसने रिजर्व में भी उसका शेयर दे दिया है, यहां भी आपको बांट रहा नहीं है इस रिजर्व को, सीधा सीधा पकड़ा देना है। और उसके बाद कहता है कि प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी वो टर्नओवर बेस पर होगी, ये मान करके कि पिछले साल की सेल थी 4,00,000 जिस पर 2,00,000 कमाए थे और इस इंटरवेनिंग पीरियड में जिस पीरियड में ये चेतन जिंदा था 1,20,000 रुपए की सेल हुई थी तो उसमें उसका शेयर हम दे देंगे। चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चेतन का अकाउंट बना रहे हैं जिसमें बाई बैलेंस बीडी 1,25,000, ठीक है। इसके बाद हम नीचे शुरू करते हैं, कहता है इंटरेस्ट आपको देना है 6%, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,25,000 का 6% निकालना है आपको, कितने महीने का, 6 महीने का, तो ये आ गया आपका 3,750, ओके। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 3,750। इसके बाद नीचे फिर कहता है एग्जीक्यूटर का अमाउंट उसने गुडविल का दे दिया है, ठीक है जी। तो गुडविल में शेयर तो उसने आपको दे दिया है 24,000, ये चेतन का ही शेयर है, लेकिन इसे बांटेंगे कैसे, जो रिमेनिंग पार्टनर की रेशो बची होगी 2:1, तो इसको 2:1 में बांट देते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारा 16,000 और 8,000। तो बाई बबीता कैपिटल अकाउंट आपका 16,000 और बाई आपका पार्टनर था तीसरा डेविड कैपिटल अकाउंट कितना 8,000। इसके बाद उसने कहा है कि 12,000 उसका रिजर्व फंड का हिस्सा बनता है, ठीक है जी। तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट कितने 12,000 रुपए। इसके बाद बोलता है कि आपको चेतन का हिस्सा देना है प्रॉफिट का, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इसका, कहता है पिछले साल की सेल कितनी थी 4,00,000 रुपए, जिस पर पिछले साल का प्रॉफिट अर्न किया 2,00,000 रुपए, तो देखा है कंपनी जितना सेल करती है उसका 50% अर्न कर लेती है, ठीक है, ओके। इस साल जिस पीरियड में वो चेतन जिंदा था उस पीरियड की सेल है आपकी 1,20,000, इसका मतलब इस पीरियड में 3 महीने में कंपनी ने 60,000 कमाए जिसमें तीनों का हक है, तो इसमें अब चेतन का शेयर यहां पर आ गया 60,000 में इसका शेयर 1/4 15,000 रुपए, ओके। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 15,000 रुपए। तो ये हो गया बस, और तो उस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब टोटल करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये अकाउंट फाइनल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 75, कहता है सन्नी हनी और रुपेश 3 पार्टनर थे और बैलेंस शीट में इनके रिजर्व भी दिया हुआ है 30,000 का, सनी हनी और रुपेश की कैपिटल 30, 30 और 20 थी। नीचे चलते हैं, कहता है कि हनी की डेथ हो जाती है 31 दिसंबर 2014 को, मतलब लास्ट बैलेंस शीट जब बनी है उसके 9 महीने बाद,
तो उसको 9 महीने का ही प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिलेगा। आगे चलते हैं, कहता है कुछ उन्होंने कंडीशन दी है, तो पहली कंडीशन बोलता है कि डिसीज पार्टनर को उसका कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, जैसे यहाँ पर हनी की डेथ हुई तो 30,000 मिलेगा, उसके बाद इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% जितने दिन वो जिंदा रहा, मतलब 9 महीने का। इसके बाद कहता है जितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा जिसे हम बोलते हैं रिजर्व, उसमें उसका शेयर दे देंगे, और आगे आपको उसका प्रॉफिट का शेयर देना है, और कंपनी ये मानकर प्रॉफिट देगी कि 20% कंपनी सेल पर अर्न करती है, और इस पीरियड में जिस पीरियड में ये हनी जिंदा था उस पीरियड में कंपनी ने 6,00,000 रुपए की सेल की है, उसमें उसका हिस्सा हम देंगे। चलो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हनी का हमें अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, और हनी का ही एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो बीडी कंपनी में हनी की दी है उसने 30,000, ठीक है 30,000 की हो गई बीडी। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जी, 30,000 की अगर आपकी क्या है कैपिटल है, तो 30,000 में आपको 6% के हिसाब से कितने 9 महीने का बनता है 1,350, ये आपको उसको इंटरेस्ट देना है। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1,350। इसके बाद बोलता है कि आपको रिजर्व में उसका हिस्सा देना है, उसका हिस्सा कितना था 1/3, ठीक है, तो बाई जनरल रिजर्व अकाउंट कितना 30,000 का 1/3, मतलब कि 10,000 आपको रिजर्व में उसका शेयर देना है। आगे चलते हैं, कहता प्रॉफिट, अब आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और क्या मान के करना है कि इस पीरियड में जिस पीरियड में ये हनी जिंदा था उस पीरियड में 6,00,000 रुपए की सेल हुई है, और कंपनी 20% अर्न कर रही है जितना भी सेल करती है, इसका मतलब कंपनी ने ओवरऑल इन 9 महीनों में कितना 1,20,000 रुपए कमाए होंगे। अब इस 1,20,000 में चेतन का शेयर आप कैसे कैलकुलेट करना है, आपको 1,20,000 में तो सारे ही पार्टनर होंगे, तो इसका शेयर कितना 1/3, मतलब कि 40,000, तो 40,000 चेतन का शेयर बना। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 40,000। आगे चलते हैं, बस और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है, अब इसका टोटल कर देते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं 81,350 इसका बैलेंस आया, जिसको हम हनी के एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देते हैं, और एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, तो यहां ये हनी से आ गया बाई हनी कैपिटल अकाउंट 81,350। टू बैलेंस सीडी, क्योंकि हम यहां से कोई पे वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका बैलेंस सीडी ऐसे ही हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन किए, तो इस वीडियो में इतना ही, बस कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।